हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड टुडेज वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर दो एग्जाम होते हैं, वन इज जीएस पेपर वन एंड सेकेंड वन इज जीएस पेपर टू। पेपर टू जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज सी सेट। ओके, सी सेट इसको बोलते हैं। सी सेट के पेपर के अंदर आपके पास में जो सिलेबस होता है बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, तो अब इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो अब देखिए, अगर बेटा हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हैं तो सी सेट पेपर के अंदर 2015 के अंदर मैं देखूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चंस थे। 24 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, 2016 देयर वर 27 क्वेश्चंस, 2017 देयर वर 22 क्वेश्चंस, 2018 27 क्वेश्चन, 2019 26 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2020 के अंदर तो 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, दैट वर 41 क्वेश्चंस। ओके, तो ये देखिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी सेट के पेपर में। तो और अभी 2021 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेटा 33 क्वेश्चंस थे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर से। ओके, अब इसके अंदर से भी अब हम बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पूरा एनालिसिस है मेरे पास में कि कौन कौन से ईयर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक के अंदर से आए हुए थे। ठीक है, तो अब अगर इस चार्ट का हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टॉपिक है हमारे पास में नंबर सिस्टम, 33 क्वेश्चन थे 2021 के अंदर जिसमें से 9 क्वेश्चन वर फ्रॉम नंबर सिस्टम। ओके, एंड इन 2020 देयर वर 14 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। ओके, इसके अलावा अगर आप देखते हो 19 का 5 क्वेश्चन, 2018 6 क्वेश्चन, 2017 6 क्वेश्चन, 2016 5 क्वेश्चन, 2015 3 क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो टोटल आपके 48 क्वेश्चन बन रहे हैं किसमें से, हाँ जी नंबर सिस्टम में से। सिर्फ नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 48 क्वेश्चन है 2015 से 2021 तक। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हाँ जी जो नंबर सिस्टम है सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोटे छोटी जो बारीकियां हैं नंबर सिस्टम की, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट कि नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ जी बेटा सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन में से देखिए 2021 के अंदर 7 क्वेश्चन थे। अब आप कहोगे मैडम हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, सिंप्लीफिकेशन के तो क्वेश्चन आए हुए नहीं थे। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आप इसको कह सकते हो अर्थमेटिक रीजनिंग कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन तो क्वांट के होते हैं, क्वेश्चन तो मैथमेटिकल होते हैं, बट आप उसको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के अंदर नहीं ले सकते। मीन्स सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? स्टेटमेंट बेस्ड। हाँ जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लॉजिकली स्ट्रोंग हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, अगर आप लॉजिकली स्ट्रोंग नहीं हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर से देखिए आप, हाँ जी 7 क्वेश्चन थे इसके अंदर आपके 2020 के अंदर, 4 क्वेश्चन थे उसके अलावा, 2 क्वेश्चन थे आपके 2018 में, 1 क्वेश्चन था 17 में, 1 क्वेश्चन था 16 में, 2 क्वेश्चन थे 15 में, 3 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन जिसको मैं कह रही हूँ, और स्पेशली मैं ये करवाऊंगी आप लोगों को, करवाएंगे हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे। मैं आपको 4 to 5 क्लासेस लेने वाली हूँ जो कि सी सेट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, पहले यहां पे देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ परसेंटेज की, परसेंटेज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में परसेंटेज के बेटा 3 क्वेश्चंस थे 21 के अंदर, 20 के अंदर 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम परसेंटेज। अब इस 1 क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज 1, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का कंसेप्ट अलग अलग फॉर्म में आया हुआ था, जैसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स व्हाट, कि आपके सारे कंसेप्ट आपके बीच में आ जाते हैं क्वेश्चन में, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में परसेंटेज, देन 19 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, 18 में 1 क्वेश्चन था, 17 में 5 क्वेश्चन थे, 16 के अंदर 4 क्वेश्चन थे बेटा, 15 में 4 क्वेश्चन थे, टोटल 22 क्वेश्चन वर फ्रॉम परसेंटेज, ओके। इसके अलावा अगर हम बाकी टॉपिक्स भी देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो देयर वर 3 क्वेश्चन इन 2020, 2 क्वेश्चन इन 19, 3 क्वेश्चन इन 18, 2017 में था नहीं क्वेश्चन, 2016 के अंदर 1 क्वेश्चन था आपका, 15 के अंदर 1 क्वेश्चन, ओवरऑल 10 क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक बार देखो, अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है ना, इसलिए मैंने देखो पहले परसेंटेज आपको बताया फिर मैं प्रॉफिट लॉस बता रही हूँ। रीजन बीइंग कि अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है और लॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप कर सकते हो। सी सेट के जो सी सेट के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है, परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इजिली कर सकते हो, ओके। अब उसके बाद में बात करें हम एवरेज, एवरेज 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड देन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन डन। इसके बाद है बेटा एजेस, एजेस जो है अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन और साथ में एवरेज दोनों टॉपिक्स क्लियर है तो एजेस के क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि एजेस पे बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एजेस का भी अगर हम देखें तो 21 के अंदर एजेस का 1 क्वेश्चन था, 19 के अंदर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एजेस, 17 में 1 क्वेश्चन था, 16 में 1 था, 15 में 1 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चंस, ओके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, अगेन परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर 2 क्वेश्चन 2021 के अंदर थे, 20 के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे, 19 में भी 2 क्वेश्चन थे। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक में से, बट हर बार क्वेश्चन आ रहा है, दैट मींस कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, ओके। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की, तो 20 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, 19 में भी क्वेश्चन आया था, इवन 2021 के अंदर भी बेटा एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड, बट वो क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर मिक्स था, मिक्स मींस एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था और साथ में एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए बिकॉज एलसीएम एचसीएफ तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, देयर वाज वन क्वेश्चन इन 2021, 2020 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, 19 के अंदर 2 क्वेश्चंस थे, 17 में 1 क्वेश्चन था, 16 में 3 एंड 15 में 2 क्वेश्चंस थे, देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम टाइम एंड वर्क डायरेक्ट क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे भी अगर जो अगर हमारा जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वहीं पे यूज हो रहा था, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, आप बात करोगे कि मैडम सिंप्लीफिकेशन पे आप ज्यादा फोकस करवाऊंगी मैं आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन के हम 4-5 क्लासेस लेंगे, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं सी सेट के अंदर, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा 2020 के अंदर आया हुआ था 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, 18 में 1 क्वेश्चन था, 17 में, 16 में 4 क्वेश्चन थे, 15 में 2 क्वेश्चन थे, टोटल 9 क्वेश्चन From 2015 to 2021, okay? अब ratio and proportion again very very important. Ratio and proportion very very important. Reason being कि ratio and proportion का जो concept है वो किसी भी particular topic के साथ में add होके आ जाता है, means combine हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारे पास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये टाइम एंड वर्क में भी आ जाता है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको देखने को मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट
आप लोगों को आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिल सकता है, आपके पास में अलग अलग टॉपिक्स के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट मिलेगा। इवन अगर डीआई एग्जाम में आ जाते तो उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट मिलेगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, और अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2021 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, 20 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, 19 में 1 क्वेश्चन था, 18 के अंदर 1 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, 16 में 1 क्वेश्चन, 15 में 3 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चंस। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वही है आपके पास में, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, अब या तो क्वेश्चन आपके पास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आए हुए हैं, देखो इन 3 इयर्स के अंदर मैं देखूं 21, 20 एंड 19, तो यहाँ पे बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गया, बिकॉज कंबाइंडली टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स है। तो इसमें से ऐसा हो जाता है कि कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन बन जाता है, तो कभी आपका प्रोबेबिलिटी पे से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के अंदर 2021 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, 20 के अंदर 1 क्वेश्चन था, 2019 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, 18 में 2 क्वेश्चंस थे। अगर ओवरऑल हम देखें तो 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज भी सभी ने अच्छे से कर लेना है, नंबर सीरीज भी अगेन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार ग्राफ, लाइन, डाटा टेबल, पाई चार्ट, ये सभी के सभी टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना। तो डीआई पे बेस्ड पेपर आया हुआ था 2018 में। अगर आपने अच्छे से पेपर किसी ने भी चेक किया है प्रीवियस ईयर का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि 2018 का पेपर, ये लगा के चलो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन ऑलमोस्ट सारा पिक्टोरियल फॉर्म में था, डीआई की फॉर्म में था, ठीक है ना। तो डीआई के ऊपर क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे अगर हम 18 में देखें तो 3 क्वेश्चंस ये हो गए आपके बार ग्राफ पे थे, 5 लाइन चार्ट पे थे, 2 आपके पास में डाटा टेबल पे थे। तो टोटल 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, एंड इन 2021 देयर वर 2 क्वेश्चंस ओनली, 1 वाज फ्रॉम डाटा टेबल एंड 1 वाज ऑन पाई चार्ट। ओके, अब उसके बाद में मेंसुरेशन की अगर मैं बात करती हूं, तो मेंसुरेशन पे ये लगा के चलो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, बट इजी क्वेश्चन होता है, काफी इजी क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन पे। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके पास मेंसुरेशन 3D पे था क्वेश्चन, 2021 के अंदर भी 3D पे क्वेश्चन था, ठीक है, और 21 के अंदर तो 2 आपके पास में 2D पे क्वेश्चन थे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में सारे जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है वो। अब इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये तो हो गए हमारे टॉपिक्स थे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सभी ने वीडियो को लास्ट तक चेक करना, लास्ट तक पूरे की पूरी वीडियो देखनी है, सो दैट कि आपको जो इसका निचोड़ है वीडियो का वो आपको मिल जाए और ये आप लोगों के लिए फुली हेल्पफुल है हो सके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये हमारा सिलेबस है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। उसके अंदर मैंने देखो स्पेसिफाई किया बेटा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते सीसेट के अंदर। सीसेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंप्लीफिकेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम आती है। ओके, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, देन आपके पास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड साथ में आप प्रोबेबिलिटी ले लो बेटा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, साथ में मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसके अंदर सिलेबस में तो मैंने यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि मैडम डाटा सफिशिएंसी आपने मेंशन कर दिया, बट यहाँ पे आपने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं दिखाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डाटा सफिशिएंसी है, डाटा सफिशिएंसी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोट दिस इज टॉपिक, हम ये नहीं कह सकते कि टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम में से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, तो हम अगर टॉपिक की बात करेंगे तो दैट वाज फ्रॉम नंबर सिस्टम, बट टाइप इज डाटा सफिशिएंसी। ओके, सेम वे मैं कहती हूँ कि हाँ जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क का डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस पे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। ओके, तो डाटा सफिशिएंसी आप अलग से टॉपिक नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। ओके, तो अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अगर मैं बात करती हूँ बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम।
मैं आपको एक ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो कहते हैं कि घोट के पी लो, ठीक है ना। नंबर सिस्टम तो हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बसा हुआ होना चाहिए, खासकर अगर आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है नंबर सिस्टम पे बेस्ड। ओके, दूसरा सिंप्लीफिकेशन मीन्स वर्ड प्रॉब्लम मीन्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स। आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अलग अलग वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ जी कोई सिंप्लीफिकेशन कह रहा है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन। मैं बोलती हूँ कि हाँ जी अर्थमेटिक के लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू अर्थमेटिक। ओके, आप कुछ लोग इसको अगर आप क्वेश्चन सर्च करते हो तो इसको अर्थमेटिक रीजनिंग के अंडर भी ले लेते हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो कहीं पे आपको सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम आप कहाँ से सर्च करोगे, तो बेटा अगर आप गूगल पे भी देखते हो कहीं पे भी देखते हो तो इसको आप अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर आप ले सकते हो। अर्थमेटिक रीजनिंग कह देते हैं कोई इसको, हाँ जी कुछ लोग इसको अर्थमेटिक रीजनिंग का नाम दे रहे हैं, तो कुछ इसको सिंप्लीफिकेशन का नाम दे रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि हाँ जी लॉजिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। ओके, क्लियर। तो इसके ऊपर फोकस करना है सभी ने, बार बार कह रही हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। लॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर से नहीं आएंगे कि हाँ जी आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए और आपने कुछ टाइप्स के रट्टे लगा रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। यूपीएससी बेटा चेक करते हैं कि हाँ जी लॉजिकली आप कितना स्ट्रॉन्ग हो, उन्होंने आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज परसेंटेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर ये इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, ये इसके अंदर भी आ जाता है, ये इसकी फॉर्म में भी आ जाती है, इसकी फॉर्म में भी आ जाता है। इवन अगर मैं ये कहूँ कि जितना भी मेरा सिलेबस है इसके अंदर परसेंटेज की फॉर्म में भी कोई भी डाटा आ सकता है, ठीक है। मान लो मैं कहती हूँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और उसके अंदर कंसेप्ट आ गया हमारे पास में परसेंटेज का, दैट फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 30% वर्क ए ने किया, ठीक है, वन थर्ड काम बी ने किया। तो इस तरह से आपके पास में जो परसेंटेज का कंसेप्ट है ना वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज आपने अच्छे से कर लेना। ओके, इवन अगर आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है परसेंटेज पे तो वो भी हो सकता है। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके परसेंटेज में, तो परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाता है बेटा एवरेज अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज के अंदर से अपने जो एजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी एवरेज पे बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। इवन नंबर सिस्टम के अंदर भी कुछ कंसेप्ट आपका एवरेज का आ जाता है। इसके अलावा आपके पास में और जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स ट्रेन हो गया आपके पास में, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो उसके अंदर भी एवरेज का कंसेप्ट आ जाता है। और एवरेज के अंदर से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही है कि ये वाला जो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, तो ये टॉपिक आपके पास में किसी भी फॉर्म के अंदर आ जाता है, किसी भी टॉपिक के अंदर से मिक्स होके क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो दीज आर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात आती है कि हाँ जी इनको तैयार कैसे करना है, रट्टा नहीं लगाना, तैयार कैसे करना है। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इसके अलावा बेटा नंबर सीरीज भी पढ़ लेना, नंबर सीरीज भी, अगर मैं 6th टॉपिक की बात करूं तो दैट इज नंबर सीरीज। ओके, नंबर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं कि टाइप कैसी है, टाइप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आजकल जो एग्जाम के अंदर आ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए। जब भी किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो पहले ये देखो कि सिर्फ स्टेटमेंट को जब आप रीड करते हो तो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये देखो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
जो मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है क्या उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे मेरा आंसर निकल जाएगा, पहले ये देखना है। तो जो इस तरह के आपने जब भी अब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो माइंड के अंदर ये पॉइंट आपने रखना है कि हाँ जी पहले ये देखें कि हाँ जी इससे क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। इज द डाटा इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है वो हर एक टॉपिक के अंदर से आ जाते हैं, एट दैट टाइप इज डाटा सफिशियंसी। हाँ जी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं टाइप की बात करूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फॉर सीसेट, बिकॉज डाटा सफिशियंसी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा डाटा सफिशियंसी का, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आएगा डाटा सफिशियंसी का। डाटा सफिशियंसी इज ए टाइप, और किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। दिस मे बी फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। इवन लॉजिकल रीजनिंग पे भी आपके पास डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन आ जाता है, और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये वाली जो टाइप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि हाँ जी फिर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ये हमें पता चल गया कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब कुछ स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हाँ जी ऐसा करते हैं कंप्लीट कोर्स ले लेते हैं। अब अगर आप बिगनर हो, देखो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको तैयारी करते हुए, तो अब उन लोगों को कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ज़रूरत है कि हाँ जी मैंने अपने टॉपिक्स देखे, ये टॉपिक मेरा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं कहती हूँ हाँ जी मैं नंबर सिस्टम पढ़ रही हूँ, नंबर सिस्टम हो गया टिक, सिंप्लीफिकेशन हो गया टिक, परसेंटेज हो गया यस, एवरेज हो गया बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे अगर हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, बट इफ यू आर बिगनर, बिगनर मीन्स वट, क्या फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका और अभी आपने फर्स्ट टाइम पेपर देना है, तो उस केस के अंदर उनके लिए सी सेट भी बच्चों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस एक बार मैं देख लूं। ओके, तो अब अभी पीडीएफ बेटा अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट्स हैं और उनके लिए अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो उन सभी की रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है कोर्स। तो अगर उसके लिए अगर आप देखो तो कुछ बेटा वीडियो कोर्सेज हमारे पास में टेस्ट सीरीज और माइक्रो कोर्सेज है, इसको डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या है लिंक? abhimanyu.csat.res। इस पर्टिकुलर लिंक पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे सिविल स्टेट का आपके सीसेट का पोर्टल ओपन हो जाएगा अभिपीडिया का। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो बेटा आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आप लोगों को, फ्री वीडियो कोर्सेज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सारा कुछ अवेलेबल है। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में फुल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, आप पर्टिकुलर टाइम के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट कि आपको जितना भी कंटेंट है सारा अवेलेबल हो जाए। दूसरा आता है कि हाँ जी अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है तो पहले वीडियो कोर्सेज देखते हैं। अगर हम बेटा वीडियो कोर्सेज की बात करें तो वीडियो कोर्सेज के अंदर देखिए सी सेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो कोर्सेज हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज कम्प्लीट कोर्स, सी सेट का कम्प्लीट कोर्स है जिसके अंदर पूरा कम्प्लीट सिलेबस है, हर एक लेक्चर के साथ में स्टडी नोट्स अवेलेबल है, स्टडी नोट्स वेब फॉर्म में है, इसके अलावा लेक्चर के साथ में पीडीएफ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। और जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर के हर एक लेक्चर के साथ में जो भी क्लास में पढ़ाया हुआ है उसी तरह का एक टेस्ट भी अवेलेबल है। मींस कि आप लेक्चर देखते हो उसके बाद में एक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, फिर लेक्चर देखते हो फिर टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, तो उससे आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। इवन इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है कि अगर आपका कोई भी डाउट आता है, तो हर एक के साथ में लाइक लेटेस्ट डिस्कस का कॉलम बना हुआ है। देखिए ये अपने पास में कंप्लीट कोर्स हो गया बेटा। ठीक है, अब इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आप देख सकते हो जैसे अभी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के 7 लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाला है नंबर सिस्टम, तो अब इसके अंदर डेमो भी है, एक लेक्चर आप चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से डेमो भी ले सकते हो।
तो अब देखो हर एक लेक्चर ऑलमोस्ट 1 आवर का, जैसे ये है 64 मिनट्स का है, कोई 65 मिनट्स का है, मीन्स नियर बाई 1 आवर के लेक्चर्स है। अब यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है, हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए। अब देखिए बेटा, क्योंकि अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करोगे यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर भर सकते हो, तो उससे आपके पास में जब आप फोन नंबर भरते हो तो आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी फिल करोगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, या आपके आप ऑलरेडी गूगल पे लॉगिन हो तो जीमेल के आईडी से भी यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है बेटा, ये आ गया आपके पास में कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है आपके पास पॉइंट, हाँ जी, लॉगिन करना है या साइन अप करना है, ये कर लेंगे। हाँ जी, अब इसके बाद में अगर हम देखें, ये हो गया आपके पास में जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स हैं। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के भी इसी तरह से लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके बाद में इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक पैरा होगा उसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर कोई भी एनफ्रेंस टाइप से इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर एक तरह के, तो वो इसके अंदर 6 लेक्चर्स उसके भी हैं अवेलेबल। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है इन दैट केस आप वीडियो के अंदर एंड में कमेंट करके मुझसे बता सकते हो, मैडम ये डाउट है, तो आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो ये था हाँ बेटा अपने पास में कंप्लीट कोर्स। ओके, जब हम वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स के अंदर अदर, ये तो हो गया कंप्लीट, इसके अलावा ये एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स चल रहा है, इसको सभी ने ज्वाइन करना है। ये वाला जो कोर्स है ये सभी ने ज्वाइन करना है, दिस इज टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है इसके, कोई भी चार्जेस नहीं है, आपने इसको ज्वाइन करना है। इसके अंदर देखिए 57 लेक्चर्स हैं, 57 लेक्चर्स हैं और सारे के सारे जो एग्जाम से रिलेटेड कंसेप्ट है। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिंप्लीफिकेशन हम डिस्कस करेंगे या जो भी इंपॉर्टेंट है, वो जितना भी सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा हमने इसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, और इसी के अंदर वीडियोज आएंगी। तो सभी ने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, दिस इज फ्री। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को क्वांट में दिक्कत आ रही, कहते हैं जी लॉजिकल रीजनिंग तो मेरा अच्छा है बट मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है, इन दैट केस आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। इंग्लिश में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन टेक इंग्लिश। एंड अगर एक और कोर्स है बेटा, ये भी सभी ने ज्वाइन करना है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अंदर 6 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, 2015 से 2021 तक के सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस किए मैंने, एंड दिस इज टोटली फ्री। तो इसको भी सभी ने ज्वाइन करना है, मींस दो तो ऐसे हैं जिसको सभी ने ज्वाइन करना ही करना है। इसमें आप देख सकते हो, देखो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, तो ये भी सभी ने ज्वाइन करना है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ये कह रहे कि नहीं मैडम वीडियो लेक्चर्स ये तो ज्वाइन हमने कर लिया, अब मुझे टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है, देन प्रॉफिट लॉस का प्रिपेयर करना है, परसेंटेज प्रिपेयर करना है, मींस जो भी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए हम क्या करें वो बताइए। तो वो बेटा देखो क्या करना है, आपने माइक्रो कोर्स में जाना है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, माइक्रो कोर्स ध्यान से सुन लो, माइक्रो कोर्स, ठीक है। जब आप माइक्रो कोर्स के अंदर जाते हो तो माइक्रो कोर्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जब आप रीड मोर करते हो तो यहाँ पे बेटा माइक्रो कोर्सेज आ गए, किसके, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी क्वांट के आ गए, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया व्यू माइक्रो कोर्स। कहाँ पे गए हम, व्यू माइक्रो कोर्स। इसी सेम वे यू कैन एक्सप्लोर लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश। ओके, तो आप देखो जैसे यहाँ पे आ गए हम, अब यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक सारा क्या आ रहा है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर आपको 520 रिसोर्सेज यहाँ पे मिल रहा है, 520 रिसोर्सेज आर देयर। ओके, अब उसके बाद जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सीरीज, एवरेज, सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपके पास, यू कैन चेक। तो इसको एक्सप्लोर करना है सभी ने, सभी टॉपिक्स अवेलेबल है यहाँ पे। अब आगे भी आपके पास में फर्दर फ्लेक्सीबिलिटी क्या है, फर्दर फ्लेक्सीबिलिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कहाँ पे जाओगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वीडियो लेक्चर्स ले लेते हैं। तो अगर हम वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ पे ले सकते हो, क्लास लेक्चर वीडियोस के अंदर आपको यहाँ पे 10 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हर एक टाइप आपकी क्लियर करवाई जाएगी। ओके, दूसरा अगर आपको सिर्फ वेब नोट्स की जरूरत है तो आप नोट्स ले सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके, अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए तो आप क्लास पीडीएफ ले सकते हो। अब यहाँ पे भी आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जैसे ही आप इसको टिक करोगे तो आपका वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ से अगर मुझे ये नहीं चाहिए, रिमूव हो गया। मुझे अगर सिर्फ क्लास लेक्चर चाहिए, आपके क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ओके, क्लियर। तो सभी ने एक्सप्लोर करना है कि माइक्रो कोर्सेज को के अंदर से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हाँ जी चाहिए नंबर, चाहिए तो मुझे नंबर सिस्टम और मैं पूरा कंप्लीट कोर्स लूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी किसी को भी एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप अगर आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही तो उसके लिए आप कंप्लीट कोर्स के लिए जाएं। हाँ, पहले बात ये है कि अपना सिलेबस देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ये 5 टॉपिक है जैसे कि, है ना, तो ये टॉपिक भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इसके अंदर आप देखिए कि सी सेट आप क्वालिफाई कर सकते हो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेस पे। क्लियर सभी को? हाँ जी, कोई भी डाउट आ रहा हो किसी को, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके अलावा नीचे यहाँ पे हमारे पास में ये देखिए बना हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कॉल कर सकते हो। अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे ही आपका डाउट उसी टाइम पे आपकी सारी की सारी क्वेरी रिजोल्व हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप सभी को सारा क्लियर है। यू कैन गो फॉर फुल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज। ओके, अब जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए एक बार सभी चेक करेंगे और अपना सिलेबस, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो अपने सिलेबस को अपने टेबल पर रखो और उसके अंदर से देखो, हाँ जी ये टॉपिक हो गया टिक, ये टॉपिक हो गया टिक। तो इस तरह से अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप सी सेट को टाइम दे सकते हो। जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जनरली मैंने देखा है कि सभी स्टूडेंट्स का फोकस जीएस पे होता है, सी सेट को वो साइड में कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने पहले प्रिपेयर कर रखा, साथ में नोट्स बना रखे, तो उस टाइम पे आप उनको भी देख सकते हो और सीएस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास के अंदर बेटा जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सभी ने एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स को ज्वाइन करना है। ओके, सभी ने ज्वाइन करना है सो दैट कि जितने भी अपने लेक्चर्स आते हैं आपको सभी मिल जाए। जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ लगा है कि हाँ जी दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे सभी। ओके, सो क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।